मेडिटेशन के आलम में जागे जागे रहना, बाहर से भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतरे हुए आप अपने माइंड के प्रति सावधान रहना। मेडिटेशन के मौसम में अपनी मास्टरशिप को खोज लेना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर ऑफ इट। रिमेंबर इट, रियलाइज इट, यू आर ए मास्टर, यू आर ए सीयर, यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी। सिंपली वॉच, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर माइंड। सिंपली वॉच, सिंपली लुक, लगातार अपने देखने को, अपनी वॉचफुलनेस को डेवलप करते चले जाना। ये देखना जारी रहे, जो भी दिखाई दे, जैसा भी दिखाई दे, आप उसको देखते रहना। देखने की क्षमता को, देखने के पोटेंशियल को अवसर देना, खूब एक्सपैंड करते चले जाना। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। डायरेक्ट वॉच करना, विश्वास। मेडिटेशन इज ए माइंड मैनेजमेंट। ये सीधा माइंड को डील करती है, माइंड के प्रति डायरेक्ट अप्रोच है यह। मोस्ट नेचुरल, ओरिजिनल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। वेरी सिंपल, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट वॉचिंग। You are a seer, simply see whatever happening before you inside. Simply look, not to indulge in any thought. Watch your thought continuously. माइंड से हट करके माइंड को देखना, विचारों से हट करके विचारों को देखना। तुम केवल देखना, अपनी थर्ड आई को अवसर देना जगमगाने का। ये अवसर चूकना नहीं, वाइब्रेशन से उत्प्रोत ये एटमॉस्फेयर फुल ऑफ ऑरा एंड एनर्जी। Dive deep in meditation and transform your mind. अधिक से अधिक अपने स्वभाव में रहना। कभी कभी विचारों में खो जाना, माइंड के साथ चले जाना, भूत भविष्य की गलियों में उतरना, भूत भविष्य की रस्सियों में झूलना अक्सर आदतवश होता ही रहेगा, परंतु तुम बार बार इन आदतों के प्रति जागना, तुम माइंड्स के प्रति जागे जागे वापस लौटना अपने स्वभाव में। रिट्रीट इज द ओनली सॉल्यूशन। रिट्रीट विल हेल्प यू टू बी थॉटलेस वन डे। राइट थिंकिंग प्रिवेल्स व्हेन यू बिकम थॉटलेस। लगातार जागे जागे रहना, भीतर की राह पर प्रतीक्षारत रहना, एडवेंचर उठाना अपनी ओर देखने का। देखना स्वाभाविक है, देखना तेरा स्वभाव है। देखना टेक्निक नहीं, मेथड नहीं। देखना हम सब का अधिकार, हक, हम सब का स्वभाव है। बाहर की आंखों से बाहर के जगत को देखना, भीतर की आंख से भीतर का जगत देखना, मन माया का विस्तार देखना। डुअलिटीज माइंड की हर पल हर घड़ी तेरे सामने खड़ी है। आप उसको देखने वाले होना, न कि उसमें इंडल्ज हो जाना, कहीं लॉस्ट नहीं होना। तुम
एक ललक, एक प्यास, निरंतर अपनी और प्रायोरिटीज, अपनी और प्यास उठाना। देखना स्वाभाविक हो, तनिक मात्र भी कोशिश नहीं करना देखने में, कोई प्रयास कोई यत्न नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करना, माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, माइंड को डायरेक्ट वॉच करना। हम सबके पास देखने की क्षमता है, देखने का पोटेंशियल है, देखने की आंख है। हमें कोई मीडियम, कोई माध्यम, कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं अपने भीतर को, अपने अस्तित्व में उतर सकता है, अपने सुप्ति द्वार पर निरंतर निवास हो सकता है। अगर हम थोड़ा माइंड से हटकर के अपने स्वभाव की ओर लौटें, माइंड, विचार, थॉट्स, तमाम बोरो किए हैं जो बाहर से हमने सारा दिन माइंड को फीड करने में ही रखा, जो जो फीड किया है वो समक्ष आएगा, वो सब उठेगा। उस डस्ट को विदा होने देना, सब यूजलेस थॉट्स, पास्ट एंड फ्यूचर के अननेसेसरी थॉट्स, नंबरलेस थॉट्स, यूजलेस थॉट्स मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते ही चले आते हैं, उठते ही चले जाते हैं। आप उनको देखते रहना, लगातार स्वाभाविक रूप से देखना, ना देखना हो तो सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, सेल्फ अवेयरनेस में रहना, सेल्फ अवेकनिंग में रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस। इज ए की टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। माइंड के साथ लगते ही हम पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलने लगते हैं। एकदम आपको ख्याल आता है कि मैं पास्ट में चला गया, मैं फ्यूचर में चला गया, मैं तो माइंड के साथ ही चला गया, मैं तो माइंड ही हो गया। एकदम जागा आता है, एकदम होश उठती है, आप उस वक्त वापस लौटिए। थोड़ा डिस्टेंस डेवलप करना माइंड के प्रति, सब जान जाओगे। माइंड को जानते ही तुम सारे संसार को जान लोगे। माइंड की नब्ज को पहचानना, माइंड के स्वभाव को जानना, विचारों की गति को देखने लायक होना, विचारों की ट्रैफिक के प्रति जागे जागे रहना। किधर जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है। अंधेरी है मन की, दिया तो जला ली, कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, कर्म क्षेत्र में उतरे हुए ऐ नौजवानों जरा देखना, अपने जीवन के प्रति झांक करके देखना, कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो। जिधर मौत के सिवा कुछ भी नहीं, उधर मंजिल नहीं है,
कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है। सवाल उठाया अपने प्रति, कभी प्रश्न उठाया क्या, कभी क्वेश्चन उठाया, कभी भी सोचा कि मंजिल कहाँ है। मिली हुई जिंदगी की मंजिल कहाँ है, किस दिशा में हम मंजिल की ओर चल रहे हैं या मौत की ओर चल रहे हैं, थोड़ा एनालाइज करना। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़ी सी जहाँ में तेरा घर कहाँ। कभी भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़ी सी जहाँ में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा घर, तेरा दशम द्वार, तेरा मकान, तेरा शिव नेत्र, तेरी थर्ड आई, तेरा सुरती द्वार, या 10-star बंगलो जहां मौत प्रवेश नहीं कर सकती, जहां मृत्यु छू नहीं सकती, जहां माइंड का नेगेटिविटी रूप छू नहीं सकता, जहां नेगेटिव माइंड प्रवेश नहीं कर सकता, जहां मौत भी छू नहीं सकती, वो है तेरा दशम द्वार, थर्ड आई, शिव नेत्र, जिसको तूने सबसे ज्यादा इग्नोर किया, जहां जीवन लहलाता है, जहां जिंदगी लहलाती, जहां आखिरी दम तक तू एनर्जेटिक, जॉयस, गेफुल रहता है, सदा स्वस्थ, सदा सुखद रहता है, जहां तेरा स्वभाव जगमगाता है, विराट होकर के जीता है, 24 घंटे कर्मशील रहता है, फिर भी तेरी एनर्जी में कमी नहीं आती, 24 घंटे की दौड़ बाहर, आपाधापी बाहर, जी भर करके लगाई, फिर भी तेरी ऊर्जा में, एनर्जी में कमी ना आए, फिर भी तुझको टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन छू ना पाए, हाइपरटेंशन छू ना पाए, डिप्रेशन तेरे द्वार पर कभी प्रवेश न कर पाए, वो तेरा निवास, वास्तविक रेजिडेंस, एकमात्र तेरा दशम द्वार, तेरा सुरती द्वार, तेरी आंखों के पीछे, तेरे ही भीतर हृदय द्वार, वास्तविक हरि द्वार, हृदय द्वार, जहां तूने कभी झांक करके देखा भी नहीं, यही दुर्भाग्य घटित हुआ है आज के जीवन में कि हम बाहर की दोनों आंखों में रह गए, भीतर की आंख में कभी प्रवेश किया ही नहीं, अपने भीतर की और खुलती हुई आंख को कभी इस्तेमाल नहीं किया,
कभी उपयोग में नहीं उतारा, कभी इसको यूज नहीं किया, कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये परम संपदा परम धन भीतर का अगर हाथ लग जाए तो मालो माल होके जिएगा। बाहर भीतर दोनों और तेरे शिखर लहलहाने में तनिक मात्र देर नहीं लगेगी। थर्ड आई में दोनों मिलता है, बाहर भीतर संपूर्ण मिलता है। थर्ड आई में टोटलिटी का वास है, टोटल लाइफ मिलता है। मेरी पीरी धन धर्म पैसा परमात्मा लक्ष्मी नारायण सब थर्ड आई में मिलता है। बाहर की आंखों में रहने वाले तो जिह्वा से कंठ से तो नारायण का भजन करता है, मन से तो लक्ष्मी को चाहता है। मन से अगर तो लक्ष्मी को चाहेगा और होठों से और जिह्वा से नारायण का भजन गाएगा तो तू बहुत बड़ी बेईमानी करेगा। नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी को चाहना और नारायण के प्रति फॉर्मेलिटी दिखाना, ये कहाँ टॉलरेट होगा परमात्मा से। अगर तू नारायण को चाहे तो लक्ष्मी पीछे पीछे चली आती है, अगर तू नारायण को चाहे तो लक्ष्मी का वास साथ साथ होता है। अगर तो लक्ष्मी चाहे नारायण के प्रति फॉर्मेलिटी दिखाए तो लक्ष्मी उल्लू बना के रख देती है, इंसान को उल्लू बना देती है। वह भी कब चाहती है कि तू उसके पति उसके मालिक को तू इग्नोर करे। मंजिल कहाँ है अच्छी तरह से आज समझ लेना, जीवन की मंजिल कहाँ है। कभी ये भी सोचा के मंजिल कहाँ है, बड़ी सी जहाँ में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। किए थे जो वादे, किए थे जो वादे जन्म के समय माँ की गर्भ में, माँ की गर्भ में हम सब ने जो किए थे जो वादे अपने जन्मदाता जीवन प्रदाता के साथ, अपने विराट के साथ किए थे जो वादे माँ की गर्भ में किए थे, किए थे जो वादे वो क्यों तोड़ डारे, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, कहाँ जा रहा है। सोच कहाँ जा रहा है, विचार कर किधर जा रहा है, जिस दिशा में मौत ही मौत है क्या वहां जा रहा है। ओ बुद्धिमान कहलाने वाले, अपने आप को वाइजेस्ट पर्सन कहलाने वाले, वाइजेस्ट अति बुद्धिमान शार्प माइंड शार्प इंटेलेक्ट के मालिक, जरा क्वेश्चन उठाया है कभी किधर जा रहा है, एक ही पक्ष में क्यों खो रहा है, दोनों पक्ष जगमगा, दोनों और अपनी आंख अपनी नजर अपना ध्यान रख, अपनी सुरती दोनों ओर कमा, सुरती का तीर ध्यान का तीर दोनों ओर चलता है, यही गजब का तीर है जो दोनों ओर चलता है, दोनों ओर चला, केवल बाहर की ओर नहीं अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने के लिए भी इसको साथ साथ चला, सुरती दोनों ओर जगमगाए।
टोटैलिटी जीवन एकमात्र तेरा धर्म है। जीवन की बात होती है यहाँ, जीने की बात होती है यहाँ। यहाँ कोई किसी प्रकार का भी कथा कहानी नहीं है, अनुभव की बात होती है यहाँ। यहाँ जीवन दिशा की बात होती है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है जिंदगी का। 4 दिन की जिंदगी में चारों युगों के बराबर तो नहीं शिखर बनाना है, चारों युगों में लहलाना है, चारों युगों में तूने अपना दीप जलाना है, चारों युगों में अपना अस्तित्व जगमगाना है तूने। छोटी सी जीवन यात्रा है, उसमें जीवन का महान दीप जलाना है तूने। जन्म मरण के बीच में जो अवसर मिला है आविष्कार करने का, वो जीवन को आविष्कार करने का, इसको इग्नोर नहीं करना है, कदाचित भी भूलना नहीं, अपनी खोज अपनी तलाश भीतर की जारी रखना। ये सुपर साइंस है, इस लैब में उतर करके अपने आप को लव लेना, अपने आप को खोज लेना, अपने आप को तलाश लेना, मैं हूं कौन, इस सवाल का जवाब प्राप्त कर लेना। कोई दूसरा प्राप्त करेगा उसका लाभ तुझे नहीं पहुंचेगा, इतना सा ही लाभ पहुंचेगा कि सहयोग देगा, दिशा देगा, वाइब्रेशन देगा, बाहर से पूरा पूरा सहयोगी मित्र होकर के चलेगा। वही है सदगुरु, जो तेरा मालिक ना बनकर के तुझे मालिक बनाए, तुझे स्वयं मालिक बनाए भीतर का, वो है सदगुरु। अर्जुन, तूने ध्यान का तीर बाहर की ओर चलाया और दुनिया का बादशाह बन गया, दुनिया का तू कंसंट्रेशन पावर का मालिक कहलाया। तेरे पास कंसंट्रेशन है, माइंड को लगाता रहता, हर घड़ी हर पल माइंड को लगाने में लगा रहा, मेंटल एक्सरसाइज करता रहा, लगा कभी नहीं माइंड और मौत आ गई। माइंड को लगाना नहीं, माइंड को डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट वॉच करना है। माइंड लगने से लगा नहीं, आज तक चारों युगों में किसी तपस्वी का नहीं लगा। माइंड लगता नहीं, लगाने से भी लगता नहीं, और जो लग जाए वो माइंड ही नहीं। माइंड को नो माइंड की स्टेट में उतारने का एक ही रसायन है, एक ही दिशा है कि हम माइंड से हटते चलें। माइंड अपने आप तेरी ओर समर्पित होता हुआ, तेरे अंतर्गत होता हुआ, तेरे अनुसार हो, तेरे अनुकूल, तेरे अनुसार चलेगा। जब ये तेरे अनुसार होगा तो पूर्ण स्वस्थ होगा, पूर्ण सुखद होगा, आनंदित होगा। स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य भीतर छलकता है, भीतर खूब छलकता है स्वास्थ्य। स्वस्थ पूर्ण होता है जब तू थोड़ा माइंड से हट करके जीता है। माइंड के साथ लग करके बाहर के शिखरों को खूब कमाना, माइंड से पूरा काम लेना, माइंड को पूरा एक्सप्लोर करना, माइंड को पूरी तरह से बाहर के शिखरों में, बाहर की उपलब्धियों में लगाना। परंतु भीतर की राह पर, भीतर की प्यास में, दर्द दीवानगी में माइंड को प्रवेश करने नहीं देना, वहां माइंड का कोई चारा नहीं, माइंड का कोई अधिकार नहीं, माइंड का कोई हक नहीं। तेरी संपदा को, तेरे जागरण को, तेरी होश को, तेरी सुक्ति को चुराए, बाहर के जगत में इसको खूब इस्तेमाल करना। ये तुम्हें इस्तेमाल करेगा तो मनोरोग होगा, अगर तू इसको इस्तेमाल करेगा तो तू पूर्ण स्वस्थ होगा। इसको अपने अनुसार इस्तेमाल करने का महान रसायन एकमात्र मेडिटेशन है, अंतर्मुखता। सुरती द्वार पर थोड़ी देर रहा करें, थोड़ी देर थर्ड आई में रहा करें, थोड़ी देर थर्ड आई में रह करके जीना, जी करके देखें, यही जीवन है। अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, अपनी थर्ड आई को जगमगाना, ये तेरा शिखर सारी दुनिया को चाहिए। इस शिखर पर लहलहाने वाला इंसान धरती पर कभी मरता नहीं और सारी दुनिया को देने लायक हो जाता है। टोटलिटी प्रदान करता है, टोटल लाइफ प्रदान करता है, तेरा थर्ड आई का निवास। अपने भीतर की आंख को अवसर देना है जगमगाने का, जैसे बाहर की दोनों आंखों को प्रातःकाल उठते ही सारे संसार की तरफ लगा देते हो, ऐसे संध्या के सायं प्रातःकाल कर्म क्षेत्र में जाने से पहले भीतर की आंख से कनेक्ट रहना, भीतर की आंख को जगमगाना, भीतर की आंख से कनेक्शन जोड़ना, भीतर की आंख से निरंतर जुड़े जुड़े तुम अपने माइंड के खेल को देखते रहना।
माइंड से हट करके माइंड की गति को जानोगे तो एनर्जेटिक हो जाओगे, एनर्जी का स्रोत तुम्हारे हाथ लगेगा, तो कभी तुम्हारे गोडों में तुम्हारे जॉइंट्स में दर्द नहीं हो सकेगा, किसी अंग प्रत्यंग में तुम्हारी ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, कभी किसी प्रकार की दर्दें नहीं उठ सकती तुम्हारी बॉडी में, अगर तुम्हारे यहाँ एनर्जी की कमी ना हो। एनर्जी जनरेट होती है जब तुम माइंड से हटते हो, माइंड ने सारी ऊर्जा सारी एनर्जी तुम्हारी दबा रखी है, सारा खजाना सारा स्रोत माइंड ने दबा रखा है। थोड़ा सा माइंड से हटते ही, विचारों से हटते ही, भीतर के अंधेरों से हटते ही तेरा खजाना तेरी वेल्थ तेरे हाथ लगती है, जिसको तू बाहर की दुनिया में जी भर करके इस्तेमाल करके बाहर के शिखरों को लहलाहा सकता है। भीतर का शिखर अगर तेरे पास हो तो बाहर के शिखरों का परिणाम नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। बाहर भीतर सुखद स्वस्थ आनंदित मुदित बेपरवाह होकर के जिएगा, और जितना लंबा आयु जीना चाहे उतनी लंबी आयु जी सकेगा। मेडिटेशन तुझको श्वासों की पिटारी देगा, खूब पिटारी तेरी भरपूर रखेगा श्वासों की, अगर मेडिटेशन तेरे पास होगा। अगर थर्ड आई में वास हो जाएगा तो तू जितना मर्जी लंबा स्वस्थ पूर्ण लंबा जी सकता है, प्रेम पूर्ण लंबा जी सकता है, अपना एनर्जेटिक जॉयस स्टेट में जितना भी लंबा जीना चाहे जी सकता है। तू कभी बुढ़ा नहीं होगा, सदा जवान रहेगा। क्या गजब की सुपर साइंस है यहाँ, क्या गजब का केमिकल है तेरे पास, जन्म से ही है। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ तेरे पास होगा तो फिजिकल हेल्थ अपने आप चली आएगी, अगर फिजिकल हेल्थ में थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो सहनी हो जाएगी। इतनी सहन शक्ति सहनशीलता का भंडार मेंटल हेल्थ में है, और जिसका मेंटल हेल्थ हाथ लगा है जिसके, वही इंसान इस धरती पर सुखपूर्ण स्वस्थ पूर्ण जी सकता है। और ये मेंटल हेल्थ तुझको अपनी अंतर्मुखता से अपनी थर्ड आई से मिलता है। आप फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, प्राप्त करिए, किंतु जिस पर्पज़ के लिए फिजिकल हेल्थ को गेन कर रहे हैं उस पर्पज़ को भी फुलफिल करिए, वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ। अगर मेंटली तुम हेल्दी हैप्पी नहीं है तो फिजिकल हेल्थ तुम्हारी दो कौड़ी की है। फिजिकल हेल्थ तो एक पल में गिर जाती है जब तुम मेंटली डिस्टर्ब्ड होता हो, टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन छूता है तो मेंटल सारी बॉडी को कमज़ोर कर देता है, मेंटली वीक हो जाता हो, विल पावर कमज़ोर हो जाती है। उस मेंटल हेल्थ को गेन करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड से हटना होगा, जितना माइंड से हटते जाओगे उतनी स्ट्रांग विल पावर के मालिक हो जाओगे, उतनी ही क्लैरिटी, उतना ही तुम्हारे भीतर बैलेंस ब्लिस का खजाना हाथ लगता जाएगा। तुम्हारी बिजनेस के फील्ड में कमी नहीं रहेगी, अगर थोड़ी सी विल पावर और स्ट्रांग करने का अवसर जो मिला है उसका सदुपयोग कर लीजिएगा, अपनी और मुड़ करके अपनी कमाई कीजिएगा। बाहर की कमाई में तूने देखा कितना धक्का मुक्का लगता है, कितना खतरा है, किंतु भीतर की कमाई में तुझे कोई खतरा नहीं। दुनिया से तो क्या, मौत से भी तुझे कोई खतरा नहीं अगर तेरे पास भीतर की कमाई है। ये जब जब समय ऐसे आते हैं तुम्हें दिशा सही मिल जावे, संगति सही मिल जावे, कंपनी सही मिल जाए, तो तू अपने भीतर की कमाई सुरती की कमाई करने में ये समय लगा सकता है। जो समय यूं ही वेस्ट होता जाता है बाहर की व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चा में, उसे तो बहुत सदुपयोगिता में उतार करके जीवन का आनंद ले सकता है। इसलिए वो समय नहीं भूलना, जन्म के समय जो तूने अपने परम पितु से वादा किया था। इसीलिए बार बार पुकार करके कहते हैं, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, अंधेरा है मन का, अंधेरी है मन के, दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली।